अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डेली बेसिस के नाजरीन, आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही आसान और जरा डिफरेंट सी। ये मेरी दोस्त की फरमाइश पे है, मेहमान आए हैं तो मेरी दोस्त ने फरमाइश की थी कि वेजिटेबल राइस बना के ना खिलाओ। चिकन फ्राइड राइस नहीं या चाइनीज राइस नहीं, चिकन वेजिटेबल राइस। तो फिर मैं बना रही हूँ चिकन का। उसने कहा था नहीं ऐड करना सिर्फ वेजिटेबल, लेकिन बच्चे कहाँ खाते हैं चिकन के बगैर। तो आज की जो रेसिपी है तो हम शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अज्जा बता दूं, ये आधा फूल बंद गोभी का मैंने लिया है, बारीक काट लिया है। और ये गाजरें हैं 3 अदद, बारीक स्लाइसेस में काट ली हैं। और ये इस तरह चौकोर स्लाइसेस में मैंने शिमला मिर्च काट ली है, ये छोटे साइज की 3 शिमला मिर्च है। और चिकन को भी मैंने यूं क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और एक प्याली मटर है, लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट है, टमाटर है। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो जाएंगे तेजपात, दालचीनी, लौंग और नमक और ब्लैक पेपर, बस। इसमें जीरा नहीं जाएगा। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और जी, सबसे खास बात कि ये बनेंगे ऑलिव ऑयल में, तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो अर्सी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही यूज कर लीजिए, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ जी। तो ये मैंने आधा कप ऑलिव ऑयल लिया है और चावलों की जो क्वांटिटी है वो आधा केजी है, मैंने उनको धो के भिगो दिया हुआ है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले अपने ये खड़े मसाले जो है, दालचीनी, लौंग और तेजपात, बस। थोड़ा सा हम इनको कड़काएंगे। ये गर्म हो जाएंगे तो हम फिर इसमें ऐड करेंगे अपने लहसुन और सब्ज मिर्चों के पेस्ट को। इसमें प्याज नहीं डालेंगे हम। ये किसी की भी रेसिपी नहीं है, मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया, ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं खुद बनाती हूँ ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों में अच्छा सा एक मजेदार सा जायका आए तो अपने खानों में प्लीज लहसुन की इस मिकदार को जरूर बढ़ाएं। और इसमें देखिए मैंने अदरक भी शामिल नहीं किया, जरूरी नहीं है कि हर खाने में लहसुन के साथ अदरक भी जाए, इसमें नहीं जाएगा। अपने खानों में लहसुन की मिकदार को बढ़ाएं। और सबसे अहम बात, जो खास बात है कि लहसुन को भी बहुत ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा सॉफ्ट करना है, उसकी खुशबू आए तो बस, फिर यूज करें, फिर अपने खानों का लुक देखें जी। तो लहसुन की खुशबू आने लग गई है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपनी चिकन। आप चाहें तो इसमें टमाटर नहीं भी ऐड करें, उसकी जगह पे आप सिरका कर लें। जी तो चिकन ने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है, अब हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे अपनी गाजरों को, मटर को और अपने टमाटरों को। साथ में ये 2 चम्मच नमक है और काली मिर्च है, आधी चाय की चम्मच, इसको मैं ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर भी गल जाए और जो सब्जियां हैं ये भी गल जाए। लेकिन हमने आंच स्लो नहीं करनी, क्योंकि हमें सब्जियां अपनी क्रंची चाहिए, गल तो जाए लेकिन उनका क्रंचीपन खत्म ना हो जी। तो हमारी सब्जियां रेडी हो गई हैं, गल गई हैं, लेकिन क्रंचीपन उनका कायम है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए मैं पानी हमेशा साथ ही ऐड कर देती हूँ, मैं पहले से नहीं डालती, बस हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। और पानी को नापती भी नहीं हूँ, बस ये है कि 1 इंच चावल नीचे हूँ। देखिए आपने नोट किया होगा कि मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो ऐड नहीं की,
को मैं अलग से फ्राई करूंगी। चावल मैं दूसरे चूल्हे पे करती हूँ, तो बंद गोभी और शिमला मिर्च को मैं अलग से फ्राई करती हूँ जी। तो देखें, मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए, तो अब इसमें गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बिल्कुल 2 चम्मच। जी तो इसमें मैंने शिमला मिर्च को और बंद गोभी को इकट्ठा ही डाल रही हूँ। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, यानी कि 80% ये कच्ची रहे। ये दूसरे चूल्हे पे देखिए चावल चढ़े हुए हैं और इस पे मैं अब ये फ्राई कर रही हूँ कैबेज और कैप्सिकम। इसमें कोई चीज भी अब मैंने ऐड नहीं करनी क्योंकि सब कुछ चावलों में ऐड है मेरा ऑलरेडी। ये फुल आंच पे फ्राई होंगी। इनका क्रंचीपन जो है वो कायम रहे, बरकरार रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा इनको बस हीट अप करना है। देखें गोभी को, जो बंद गोभी है, पत्ता गोभी भी कहते हैं, कैबेज जो है वो सॉफ्ट होने भी लग गई है। तो बस इसको हम डन कर लेते हैं। ये हमारी डन हो गई। इसको मैं पैन से निकाल लूंगी।